बस्तर जिला के अलग अलग गांव के लोगों को जब समस्या आती है तो इस तरह से वो एकजुट होकर जगदलपुर के कलेक्ट्रेट मुख्यालय पहुंचते हैं और अपनी पीड़ा बताते हैं। आज मैं कलेक्ट्रेट पहुंचा हुआ था तो देखा बड़ी संख्या में महिला पुरुष किसी एक विशेष गांव से हैं, कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे। मुझे लगा कि किसी विशेष समस्या को लेकर आए हैं तो इनसे भी बातचीत होनी चाहिए। हर बार आप गाँव तो नहीं पहुँच सकते, अगर गाँव ही उठकर शहर आ गया है तो उस पूरे गाँव की समस्या को सुनने के लिए बस्तर टॉकीज़ को सामने आना चाहिए। तो बस्तर टॉकीज आज एक बार इन गांव वालों की समस्या लेकर आपके सामने आया। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। तो दादा लोग से ही पूछते हैं कि क्या आखिर समस्या है। दादा, क्या नाम है आपका? सुखदेव मंडावी, मैं ग्राम पंचायत मधुता टू के सभापति हूँ। सभापति हैं जी? सभापति मतलब किसी पार्टी के हैं क्या? नहीं, पार्टी के नहीं हूँ, मैं पंचायत के। अच्छा, पंचायत के सभापति हैं। वो साल भर के लिए पंचायत में ग्राम सभा का नेतृत्व करने के लिए अध्यक्ष बनाते हैं, उनको सभापति बोलते हैं। अच्छा, तो आज ये पूरा गांव क्यों आ गया है उठ के बारिश में, खेती बाड़ी काम छोड़ के? ग्राम पंचायत मधुता टू में कोटवार और पटेल का नियुक्ति करने का था और तहसीलदार साहब और SDM साहब 30 तारीख को ग्राम सभा बैठक रखने के लिए डेट दिए थे, तिथि तय कर दिए थे और उस दिन हमारे ग्राम पंचायत मधुता के महिला और पुरुष सभी पारा से सभी मोहल्ला से 800 जनसंख्या की उपस्थिति में हम ग्राम सभा का बैठक किया गया था और उसमें से कोटवार और पटेल के लिए तहसीलदार का सचिव को जिस पक्ष में बहुसंख्यक हैं उनका प्रस्ताव पारित करेंगे और खरना करने के लिए बोले थे और क्या बोलना चाहिए कि आराम से बोलो, घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं है, प्रस्ताव पारित करने के लिए बोले थे और वहाँ पर ना सरपंच और उप सरपंच इन लोग भी एक नाम पेश किए थे कोटवार के लिए। उस पक्ष में जनसंख्या कम था, वो इसीलिए ना सरपंच और उप सरपंच सभी गांव वाले को विरोध किए और ना ग्राम सभा बैठक से वो लोग उठ के चले गए। तो हम लोग बोले कि गांववासी सचिव साहब को, आप सरकारी आज के लिए कर्मचारी नहीं हो, आज के लिए आप पब्लिक के कर्मचारी हो, रोज का रोज सरपंच और पंच लोग का बात सुनते हो, आज ग्राम सभा में गाँव के नागरिक लोग का बात को सुनना पड़ेगा और वो लोग जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो आपको प्रस्ताव लिखना पड़ेगा। ऐसे बोलने से सचिव महोदय लिखे और साइन करके दे दिए और उसके बाद ना पहले जब नियुक्ति करने के टाइम सरपंच और उप सरपंच जो एक ही मोहल्ला वाले वो लोग ना 6 मोहल्ला के आश्रित पारा को बिना बताए बिना सूचना के ये लोग सरपंच और उप सरपंच मनमानी तहसीलदार के पास नाम भी पेश किए। अच्छा। उनके खिलाफ हम ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब के पास हम लोग आज आए हुए हैं। कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुआ, SD कलेक्टर साहब से मुलाकात हो गया और हम लोग ज्ञापन सौंप दिए हैं। ठीक है दादा, आपका क्या नाम है? जयदास सिंह ठाकुर है। जयदास दादा, ये बताएं कि क्या लग रहा है इसके पीछे, मतलब सरपंच और जो उप सरपंच है उन लोग गांव वालों की रजामंदी के खिलाफ कोटवार और उसका पटेल का जो नियुक्ति करवाएं, क्या कारण होगा इसके पीछे? मधुता क्रमांक 2 का जो सरपंच है वो बहुमुखी विकास के खिलाफ जा रहा है और जो जितने भी आश्रित पारा है वहाँ विकास नहीं हो रहा है। कितने आश्रित पारा हैं? 6 आश्रित पारा है, पूरा 6 आश्रित पारा के माँ बहन आए हैं और पुरुष ये सब 6 के हैं और जो एक जो है जहाँ सरपंच रहता है उस मोहल्ले के 4 पंचगण है, एक सरपंच है, एक उप सरपंच है, वो नहीं आए हैं यहाँ। अच्छा, और कुछ पंच लोग आए हैं क्या? हाँ, हमारे ये 6 पारा के पंच आए हैं। अच्छा। हाँ, सभी पंच आए हैं हमारे 6 पंच। तो इनकी रजामंदी भी नहीं लिया गया? नहीं लिया गया, नहीं लिया, बाकी मामले में लिया गया जो विकास का ढुलमुल जो विकास नगर के कागजी पत्र में किया गया और मैदान में नहीं किया गया सरपंच के द्वारा, उसमें उनका कहीं ना कहीं दस्तखत है। अच्छा। और इसमें नहीं था कोटवार और पटेल, बाकी मतलब विकास कार्य भी कागज में ही हो रहा है? कागज में ही हो रहा है, मधुता 2 में। जी। क्या नाम है सरपंच का? सरपंच का नीलेंद्री। तो वही देखती है कि उनके पति देखते? उनका पति देखता है। उनका क्या नाम है? उनका हाँ डोमुराम है। डोमुराम वही पूरा देखते हैं? वही पूरा देखते हैं और उसमें सहभागी जो है सचिव है और उप सरपंच, ये 3 का सहभागिता है। ठीक है।
तो महिला से, हाँ उनसे भी बात करेंगे। पंच हैं क्या वो? अच्छा दादा, क्या नाम है आपका? घनराम ठाकुर। आप भी मधोता से आए हो? काय के लिए आए? तो यहाँ तो थोड़ा सरपंच के लिए झिकट, सरपंच नहीं पटेल कतवाल के लिए झिकट टीड़ा हो गया। तो हम लोग बोले जनसंख्या ज़्यादा है हमारे तरफ, आप लोग जिसको चाहते उसको नहीं बना। हाँ हो उसको। अच्छा, ये बताओ अभी सरपंच कैसा काम कर रहा है आपके यहाँ? तो सरपंच तो अभी देखो वहाँ कोई भी मोबाइल भी खींच के देखे थे, वहाँ लोग जाने के लिए नहीं है, रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, इतना इतना गड्ढा है, मुश्किल से महिला भी निकलते हैं रोड में, किचड़ा है वहाँ। नक्सली उक्सली आते हैं क्या उधर? नहीं नहीं नहीं, मधोतम तो नक्सली नहीं है ना? नहीं नहीं है। फिर भी विकास नहीं है? नहीं है। अच्छा ये बता आपका उम्र कितना है? 60 साल हो गया होगा ना? तो 55 साल हो गया। 55 तो अभी आप मतलब वृद्धा पेंशन योजना वाले में नहीं आया? नहीं 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 मिला। बाकी मिल रहा है गांव में सबको? बाकी लोग मिलता है? बाकी लोग को तो नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। अच्छा, और तो योजना लोग का लाभ मिल रहा है कि नहीं? कोई कोई एकदम बुढ़ा को उसी को मिल रहा है, सबको नहीं मिलता? नहीं नहीं। ठीक है, एक पंच भी है। कौन है भैया पंच? अच्छा पंच भी आई हैं। दीदी थोड़ा सा खड़े हो जाओगे तो बात करने में अच्छा होगा। हाँ ठीक है, क्या नाम है दीदी? कमला ठाकुर। आप पंच हैं जी मधोता की? जी। तो क्या लग रहा है कि सरपंच सबको लेके साथ में काम नहीं कर रहे हैं क्या? आधा बताते हैं आधा नहीं बताते हैं। हाँ। हम लोग को बिना पूछे डाल दिए। तो आप लोग विरोध नहीं करते, मतलब सिर्फ ये पटेल के लिए कि और भी काम के लिए ऐसी करते हैं? ये पटेल के लिए किए हैं, नहीं पूछे हैं। तो दादा बता रहे थे कि कागज में बहुत सारा काम होता है और पंच लोग नहीं बताते हैं, हम लोग को साइन भी अच्छा से नहीं करवाते हैं। आप पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक की हो? सातवीं तक। सातवीं तक की हो? तो काम वाम हो रहा है कि बस कागज में ही हो रहा है? अच्छा से क्या काम हो रहा है, सड़क भी नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग का पारा तो एकदम है। तो सड़क का पैसा तो आता होगा? बनेगा बनेगा बोल रहे हैं, नहीं बनता तो है। तो साइन कराते हैं, कमीशन देते हैं क्या कुछ? साइन तो कराते हैं, लखे सर बघेल भी आए थे, उद्घाटन किए और चले गए, बनेगा बोले लेकिन। उद्घाटन किए लखे सर दादा जी? तो वो बना कि नहीं बना? नहीं बना है। नहीं बना? नहीं। और क्या क्या समस्या है गांव में? गांव में है समस्या सभी। पीने का पानी वानी? पीने का पानी आता है। आता है सब घर में? आ रहा है? आ रहा है। नल जल योजना के तहत ना? हैंडपम्प वैंडपम्प ठीक है? ठीक है। अस्पताल अस्पताल है आसपास? है अस्पताल। स्कूल? मधुता वन में है। अच्छा आप लोग क्या नहीं है? नहीं है। ठीक में नहीं है। तो अभी क्या हुआ सर, कलेक्टर साहब से तो मुलाकात नहीं हुआ? नहीं हुआ है। दूसरे साहब से हुआ? नहीं। दूसरे साहब से हुआ जी। है कि नहीं? तो ऐसे में आप लोग क्या चाह रहे हैं, वो कोटवार को क्यों लोग रखना चाह रहे हैं? एक ही पारा में है सरपंच, एक ही पारा में है कोटवार बोल रहे हैं, एक ही पारा में पटेल बोल रहे हैं, एक पारा में सब कुछ, एक ही पारा को कहाँ देंगे, हम लोग ज्यादा संख्या है। आप लोग चाह रहे हो हर पारा से कोई ना कोई रहे? हाँ, तब तो जानकारी होगा कुछ चीज का। जानकारी होगा? ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। हर पारा में एक एक दे तब तो जानकारी होगा। हाँ, सब में सब चीज बढ़ना होगा। ठीक बात, बहुत अच्छी बात है। साथी तक पढ़ी है दीदी और पंच भी है। और देखो एक महिला पदाधिकारी जब बोली तो सारे गाँव वाले उनको प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह से ताली बजाने लगे, ताकि उनको लगा कि उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है कैमरे के सामने निर्भीक तौर पर। बस्तर में कई ऐसे गांव हैं जो ऐसा नहीं है कि नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन उसके बावजूद अराजकता से ज़रूर प्रभावित हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर ग्रामीण पहुंचे हुए हैं तो इनके गाँव में भी अराजकता पूरी तरह से फैली हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बस्तर के हर गाँव की समस्या को ऊपर तक पहुँचाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।